जब खुशियों की शुरुआत होती है, जब मोहब्बत की बात होती है, हर मौके पे ये पल सजते हैं, लम्हे प्यार के तब यूं बनते हैं। माँ की दुआओं की भेंट है, बेटियों को प्यार की सौगात है, बहुओं को जज्बातों का तोहफा सोना। जब त्योहारों का आगाज होता है सोना, जिंदगी के हर पड़ाव में साथ होता है। सोना एक ऐसी धातु जो दुनिया के हर इंसान के दिल के बहुत करीब रही है, खासकर भारतीयों के। सदियों से लोग अलग अलग मकसद के लिए सोने का इस्तेमाल करते रहे हैं। भारत में सोने के लिए प्यार एक धर्म की तरह है, पूजा और संस्कृति का एक हिस्सा है और एक परंपरा के रूप में हजारों सालों से चलता आ रहा है। पुरुष और महिलाओं के लिए, गरीब और अमीर के बीच सोना खरीदना भारत के लोगों के जीवन का एक लक्ष्य होता है और इसी वजह से भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। 1982 में भारत में सोने की सालाना खपत लगभग 65 टन थी, जो आज बढ़कर 800 टन से ज्यादा हो चुकी है। 80% आभूषण निर्माण घरेलू मांग के अनुसार किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 22 कैरेट शुद्धता के गहनों की मांग अधिक है। निवेशक मांग के लिए 15% और औद्योगिक उपयोग के लिए बमुश्किल 5%। इसकी उल्लेखनीय विशेषता ये है कि जिस तरह आभूषणों में निवेश बढ़ा है, उससे आज सोने में निवेश बाजार पर हावी हो चुका है। हमारे देश में हर परिवार में, हर घर में सोने के आभूषण का बहुत महत्वपूर्ण पात्र रहता है। कोई त्यौहार हो या शादी हो या किसी भी पारिवारिक ओकेजन पर आभूषण पहनते हैं लोग, बहुत आभूषण खरीदते हैं। समय के साथ जिस बड़ी तादाद में सोने की खपत भारत में बढ़ी है, उसे देखते हुए जरूरी था कि उपभोक्ता तक सही गुणवत्ता का सोना पहुंचे। उसके लिए सोने के कुछ मानक होने चाहिए जो आभूषण की गुणवत्ता का ध्यान रखे, और इसी को देखते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग शुरू की गई। अगर हम आम उपभोक्ता की संरक्षण करना चाहते हैं और हर आम उपभोक्ता जो सोने का आभूषण खरीदता है उसको शुद्ध सोने का आभूषण मिले, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमने हॉलमार्किंग और एसेइंग का कार्यक्रम शुरू किया है। BIS की हॉलमार्किंग स्कीम के तहत जौहरी जो सिर्फ गहने बेच रहा है को ये सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंस दिया जाता है कि वो शुद्धता के मानक 14-17 का पालन करने की क्षमता रखता है। हॉलमार्किंग एक प्रकार का सरकारी निशान है जो शुद्धता की गारंटी की पहचान के रूप में कई देशों में प्रयोग किया जा रहा है। हॉलमार्किंग योजना का मूल उद्देश्य है मिलावट के खिलाफ जनता की रक्षा करना और निर्माताओं को सुंदरता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए विवश करना। हॉलमार्किंग प्रक्रिया ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। आज देश में सोने की गुणवत्ता, शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने में जौहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास और विश्वसनीयता बनाए रखने का मौका मिला है, क्योंकि अब जौहरी की बात पर नहीं, हॉलमार्क गहनों पर होता है व्यवसाय। हॉलमार्क विश्वास का एक प्रतीक बनकर उभरा है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ेगी। देश के हर कोने में लोगों को हॉलमार्क किए सोने के प्रति प्यार भी बढ़ेगा, क्योंकि यही है सच्चे सोने और खरे सोने की पहचान, हॉलमार्क।